जातीय भेदभाव खत्म करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने बेहतर कदम उठाए हैं। उन कदमों के परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। जहां आज के युवा अब अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, लेकिन अंतरजातीय विवाह के बीच जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है वो सुरक्षा है। क्योंकि युवा जोड़े अंतरजातीय विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जान का खतरा अपने परिवार वालों से बना रहता है। ऐसा ही एक मामला पानीपत में देखने को मिला, जहां एक मुस्लिम लड़के ने मध्य प्रदेश की एक हिंदू लड़की से शादी की है, जो आज पानीपत पुलिस कप्तान से सुरक्षा मुहैया करवाने की गुहार लगाने पहुंचे थे। नए शादीशुदा जोड़े ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से दोनों धर्मों में 26 फरवरी को शादी की है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के धर्म को अपनाया है, लेकिन उन्हें अब अपने परिवारजनों से अपनी जान का खतरा बना हुआ है, जिसकी सुरक्षा को लेकर आज वह पुलिस कप्तान से मिलने पहुंचे थे। वहीं इस बारे में डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने बताया कि थाना किला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक कॉलोनी के युवक ने मध्य प्रदेश की लड़की से अंतरजातीय विवाह किया है, जो आज सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे थे, जिनको सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें अपने परिजनों से जान का खतरा बना हुआ है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में FIR भी करवा रखी है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। 26 तारीख ये MP मध्य प्रदेश की हम दोनों ने शादी कैसे की, हम दोनों ने 26 तारीख में शादी, दोनों धर्म में शादी की है। इसने मेरा धर्म अपना, मैंने इसका धर्म अपना। सुरक्षा के लिए आया, उसके घर वालों से खतरा है, उसके घर वालों से खतरा है, उसके लिए पुलिस की सुरक्षा में रहना चाहते हैं। हमारे घर वालों को मतलब हम लोगों ने शादी की, वो लोग इससे खिलाफ है, इसलिए हमें खतरा है इससे, तो हम लोग पुलिस की सिख में रहना चाहते हैं। ये कौन है जी? ये हमारे शादी कर ली हस्बैंड जी। शादी कर ली जी, तो इसमें हिंदू रीति रिवाज से करी या मुस्लिम से? दोनों तरफ से। तो ये जी जो इन्हें मुसलमान की लड़की ने जो हिंदू लड़की से शादी की है, ये प्रोटेक्शन मांगने आए थे, क्या मामला है सर? देखिए यहाँ इसका जो ये है, हमारे किले थाने में कॉलोनी है, मुझे ध्यान दे रहा कौन सा नाम, उस कॉलोनी का लड़का रहने वाला है और ये MP की लड़की है, इन्होंने लव मैरिज की है और ये आज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आए थे, तो प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड कराई। क्या बताया जी, परिवार वालों से खतरा है जी? हाँ, परिवार पर ही आरोप है कि परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे खतरा है, तो इनको सेफ हाउस में भेजा गया। कहीं और भी FIR हुई है इसकी जो लड़की बता रही है? अभी वर्बली तो क्या कह सकते हैं, वैसे तो लड़की जहाँ से आई है तो घर वालों ने अवश्य ये FIR वहाँ पर MP में करवाई होगी, वो भी पता करेंगे, अगर वहाँ FIR है तो वहाँ भी पुलिस को भी हम इंटीमेट करेंगे, तो वो भी फर्दर कार्रवाई करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।